मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो डर्मेटोलॉजी का, स्किन का एक पार्ट है, कॉर्न। ऐसे इसको लोग देहात में जो घट्टा बोलते हैं, लोग इसको घट्टा पड़ जाना बोलते हैं। कॉर्न क्या होता है? कॉर्न एक स्किन पे डिजनरेटिव एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, सेल पे डिजनरेशन हो जाती है। कैसे डिजनरेशन आती है तो सारी बात हम लोग वर्बल करके चलते हैं। हम लोग दिस इज ए डिजनरेटिव डिजॉर्डर्स डेवलप इन स्किन कैरेक्टराइज बाय ए हार्ड एंड पेनफुल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेसिंग। तो है क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्किन है, स्किन पर यह ऊपर वाला कॉर्नियम हो गया और यहाँ पर लूसिडम है, लूसिडम। और ये डिजीज जो है ना लूसिडम में ही होती है। जिस स्किन पर लूसिडम होती है वहीं पर डिजीज होता है। ये जहाँ लूसिडम नहीं होता है वहाँ पर यह डिजीज नहीं होती है, है ना, वहाँ पे कैलोसिटी होता है। तो क्या होती है पहले बात पे चलते हैं लोग। ये गैनलोसम है, गैनलोसम, और इसके बाद यहाँ पर है स्पाइनोसम बोलते हैं इसको, स्पाइनोसम। और उसके बाद नीचे में होता है जर्मिनेटिवम होता है। जब स्किन पर कंटिन्यू प्रेशर लगता हो, कैसा प्रेशर लगता हो, हार्ड प्रेशर लगता हो, तो जब स्किन पर कंटिन्यू प्रेशर डेवलप होता है तो उस कंडीशन में जो लूसिडम होती है, लूसिडम यह सेल डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डिजनरेट होकर क्या होती है, डिजनरेट होकर धीरे धीरे यह सेल नीचे की तरफ जो बढ़ते चला जाता है, ये नीचे की तरफ बढ़ते चला जाता है और बढ़ते बढ़ते और ऐसा सेप बना लेता है, कोनिकल सेप बन जाता है, इस तरह से ऐसा बन जाता है। इसीलिए इसका नाम कॉर्न बोलते हैं, कॉनिकल शेप जो बन जाता है इसलिए इसको कॉर्न के नाम जानते हैं। तो कैसे हुआ होगा, होता कैसे है कि जब इस स्किन पर, खास करके ये होता कहाँ है, पाम एंड सोल में। क्यों होता है पाम एंड सोल में, क्योंकि लूसिडम लेयर वहीं पे होती है। तो पाम एंड सोल में होता है लूसिडम। अगर कोई भी फ्रिक्शन वहाँ पर पावर प्रेशर लग रहा हो, सपोज है और लो इंटेंसिटी का, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का फ्रिक्शन होगा तो ब्लिस्टर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन ब्लिस्टर बोलते हैं। लेकिन लो इंटेंसिटी का अगर वहाँ पर अगर एक्सपोजर होगी तो लूसिडम में क्या होती है, डिजनरेशन होने लगता है। और धीरे धीरे डिजनरेटर होकर के ये लोअर पार्ट में, लोअर मतलब कहाँ, डर्मिस लेयर तक चला जाता है, मतलब जर्मिनेटम के नीचे भी चला जाता है डर्मिस लेयर में, और ऐसा शेप का एक मास बन जाता है, डिजनरेटिव मास कहते हैं। और यह डिजनरेटिव मास कोनिकल शेप का बनता है, ऊपर में वाइड रहता है और नीचे में कोनिकल होता है, इसी के नाम से इसको कॉर्न कहते हैं। अब हम लोग इटियोलॉजी समझ में आ गया, इटियोलॉजी किसको कहते, इटियोलॉजी में क्या है कि अगर कंटिन्यू प्रेशर लगता है, कंटिन्यू फ्रिक्शन लगता है, जैसे हम कोई हाथ से वर्क करते हैं, कोई हथौड़ा चलाते हैं, कोई हार्ड सब्सटेंस पे काम करते हैं, अगर हम घर में रहते हैं तो प्लास्टर पे बिना फुटवेयर का रहते हैं, पैर में बार बार वहाँ पर हार्ड सब्सटेंस से फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे, जैसे प्लास्टर से है, पत्थर पे है, जमीन पे है, तो जहाँ तो ऐसा वहाँ भी खूब डेवलप होती है। शुरू में पहले कभी आदत है नहीं आपको कि पैदल चलने का, बिना फुटवेयर के चलने का, और कहीं गए, जैसे मान लीजिए अधिकांश लोगों में क्या होता है कि जैसे अपना घर पे है तो दूसरे ढंग से रहते हैं, दूसरे घर पे गए हैं जैसे मान लीजिए ससुराल चले गए कहीं भी, और वहाँ पर लोग क्या होता है कि चप्पल यूज करा नहीं है, तो पूजा घर है तो क्या है, किचन है तो घंटे घंटे लगातार दो दो तीन तीन घंटा किचन में लोग ऐसे खड़ा होकर काम करते हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइक प्लास्टर पे जब पैर होगी ना फर्श पे, तो हार्ड यूज हो गई, हार्ड से क्या होगी, यहाँ डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉर्न बनता है। कॉर्न बनने का मेन रीजन यही हो जाती है कि हम लोग हार्ड सब्सटेंस यूज करते हैं। अच्छा, कुछ लोग चप्पल भी खरीदते हैं ना, बाय द वे नीचे का फुटवेयर तो लो कंपनी के, लो लेस क्वालिटी का खरीदते हैं, खराब कंपनी का खरीद लेते हैं, और उसमें हार्डनेस रहता है, शेप अच्छा ढंग का नहीं होता है, क्योंकि जिस चप्पल में शेप नहीं होगा सही ढंग से तो उसमें कॉर्न बनेगा। तो एक रियल में जो अच्छी कंपनी का काम क्या होता है कि उस शेप वाइज बनाती है चप्पल को, क्यों, क्योंकि उससे कॉर्न नहीं बनता है। तो सबसे पहले इसे बचने के लिए तो बताएंगे आपको कि
अच्छे क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का हम लोग फुटवेयर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि वो अपने शेप के अनुसार जो होता है ना वो अपन बनता है वो। नेक्स्ट पॉइंट आगे, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तो बनने का समझ में आ गया क्यों बनता है। दूसरा, विटामिन ए डिफिशियंसी से भी होता है ज़्यादा ये, तब विटामिन ए की कमी अगर होती है तब भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, अगर आयरन की कमी होने पर भी कभी कभी ये कॉर्न बनने का टेंडेंसी होता है, तो ये भी एक कॉर्न बनने का बात होता है, डेवलप होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम, ऐसे तो कॉर्न में कोई सिम्टम नहीं आता है, जनरली वो एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब भी इसको प्रेशर डालेंगे ना, जब प्रेशर जब होगी, जैसे अगर मान लीजिए पैर में हो गया तो चलेंगे अगर बाय द वे ऐसे, तब तो जब भी प्रेशर होगी तो उस केस में क्या होगी, ये जो नुकीला पार्ट होती है ना ये नर्व पे कंप्रेस करता है और इसके कारण दर्द होता है ये पेशेंट को, ये सिम्टम आता है, बाकी कोई सिम्टम नहीं आता है। साइन में जब छू के देखेंगे अगर बाय द टच करके, तो वहाँ पे हार्ड रहेगी और नीचे में कॉनिकल होता है, इसमें वो देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि सराउंडिंग टिश्यू हो सकता है इन्फ्लाम हो सकता है ना, और बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि मैं भी कैंसर वगैरह भी डेवलप कर दे। इतना आसान नहीं है कैंसर ना, बहुत लेटर स्टेज में हो सकता है ये, लेकिन वही है कि मरीज सिम्टम से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आगे आते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, टच करके देख लेते हैं हम लोग, बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि कौन कैप आता है, कौन बैंडेज आता है, उसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, तो वह क्या करेगा, इसको जो यहाँ पर जितने क्रिटिनाइज सेल डिपॉजिट हो चुके हैं उसको लाइसिस कर देता है, या क्रिटिनोलाइटिक एजेंट होता है उसको भी कंटिन्यू अगर हम यूज करते हैं, करना क्या होता है कि एजेंट को लगा करके अब बैंडेज कर लेते हैं, 24 घंटा के बाद खोलेंगे या 48 घंटा के बाद, तो वो डायल्यूट हो जाती है धीरे धीरे धीरे, ये कॉर्न जो होता है समाप्त हो जाता है। एक तरीका तो यह है कि आप कॉर्न बैंडेज, कॉर्न कैप या क्रिटिनाइटिक एजेंट लगा करके उसको हटा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसमें सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन कर करके इसके जितना भी कॉर्न वाला पार्ट है इसको यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन यही होगा कि बार बार फिर हो सकती है, क्यों हो सकती है, आपको हैबिट को सुधारना होगा तब जाकर के ठीक होती है ये। अब अगले बात मैनेज, अगला मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट मैनेजमेंट होती है कि आप जो फुटवेयर है वो थोड़ा अच्छा ढंग का खरीदें, सॉफ्ट खरीदें, घर में जब भी रहें तो फुटवेयर ही यूज करके रहें, सॉक्स भी साथ में आप लगा सकते हो, क्योंकि हार्ड पार्ट से बचना है मेनली हमको, है कि कंटेक्ट में हार्ड पार्ट ना हो उससे हमें बचना चाहिए इसको। नेक्स्ट आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन, इसके होम्योपैथी मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट आता है एंटिम क्रूड इज द बेस्ट मेडिसिन, इसके आता है दूसरे नंबर पे, थुजा दे सकते हैं इसमें हम लोग, थुजा है, एंटिम क्रूड है, तो ये हम लोग मेडिसिन इसमें चलाते हैं। एंटिम क्रूड बेस्ट बढ़िया मेडिसिन है जिसको धीरे धीरे यहाँ से क्या करती है, डायल्यूट कर देती है। ये था मेरा कॉर्न, बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।